हम लोगों ने 30 मई 2017 को J&K में टेरर फंडिंग का जो मामला है उसमें एक केस रजिस्टर किया था। केस रजिस्टर करने के बाद हमने कई शहरों में बड़ी संख्या में सर्चेस कंडक्ट की थी। उसमें जो हमें एविडेंस मिला था और उसके बाद के इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आया है उसके बेसिस पर आज हम लोगों ने 6 लोगों को श्रीनगर में और एक को दिल्ली में अरेस्ट किया है। तो कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो लोग श्रीनगर में अरेस्ट हुए हैं उनको आज हम दिल्ली लेकर आ रहे हैं और इनको कल अदालत में पेश किया जाएगा दिल्ली में, और उसके बाद हम अदालत से इनकी पुलिस रिमांड सीख करेंगे। जो सबूत आए हैं उनसे स्पष्ट है कि जो पैसा आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में किया जा रहा है, और उसके लिए एक पूरी ट्रेल है, फाइनेंशियल ट्रेल भी है और एक लोगों की भी चेन है जिसके तहत इन इन इस तरह की कार्रवाइयों को किया जा रहा है। तो उसमें जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और जिन लोगों के खिलाफ हमारे पास सबूत आए हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। दी केस कंटिन्यूज टू बी अंडर एक्टिव इन्वेस्टिगेशन। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट स्टेप व्हेन वी हैव अरेस्टेड 7 पर्सन्स। The investigation would of course continue, and all those who have been found connected with this case or those who are involved in terror funding or carrying out terror activities, they would be examined, they would be interrogated, and appropriate action would be taken at appropriate time.